आज मैं आप लोगों को कीपिंग के बारे में, जो बेसिक कीपिंग जो न्यू बच्चे सीखना चाह रहे हैं कीपिंग के लिए, उनके लिए एक बेसिक स्किल है। आइए मैं उनके बेसिक स्किल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो भी न्यू बच्चे आ रहे हैं उनको पहली बात पोल में खड़े कैसे होना है, उनका मेज़रमेंट क्या होना चाहिए पोल में खड़े होने के लिए। छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि वो अनबैलेंस खड़े हो जाते हैं, मतलब कभी इधर बॉल चल रही है तो कभी इधर खड़े हो जाते हैं। तो उनके लिए एक मार्किंग लेके आया हूँ कि मार्किंग के दौरान वो अपने स्टेप को अच्छी तरह से ले और अच्छी तरह से कीपिंग करना सीखे। सबसे पहली चीज़ें हमको छोटे बच्चे के लिए एक सर्कल बनाना है, ये वाइट सर्कल पूरा इस पोल से, मतलब इस कॉर्नर से लेके कंटिन्यू करना है। और पोल का सबसे पहले सेंटर निकाल लें, आप पूरी सीधी लकीर खींच लें। उसके बाद पोजीशन वाइज से, ये जैसे लेफ्ट बैक है, लेफ्ट बैक देन लेफ्ट विंग, सबसे पहले हमको इस पोजीशन पे खड़ा होना है। और देन पोजीशन लेफ्ट बैक के लिए, जब बॉल चल रही है लेफ्ट बैक में तो हमको इस पोजीशन में खड़े होना है। सेकंड, यदि बॉल सेंटर पे आती है तो हमको सेंटर के पास खड़े हो जाना है। देन फिर हमको राइट बैक के पास खड़े हो जाना है। ये जो इंडिकेट वाइट वाली जो लाइन आपको दिख रही है इंडिकेट के लिए, ये एक पोजीशन को शो कर रहा है कि इस पोजीशन पे बॉल आई तो हमको कहाँ पर खड़े होना है। देन जैसे बॉल रोटेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम जस्ट पोजीशन वाइज पोजीशन हमको अपना मूव को चेंज करते जाना है। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि बॉल को हमारे बॉडी के सेंटर पे रखना है। बॉल जहाँ कहीं भी चल रही हो बॉल को हमारे चेस्ट के सामने, बॉल जब सेंटर के पास आएगी तो सडनली हमको सेंटर को पकड़ना है, सेंटर के एरिया को पकड़ना है कि बॉल कहीं से भी सेंटर से भी यदि गोल आता है तो हम उसको देन कवर कर सकें। अगेन फिर से स्टार्ट लेफ्ट बैक की तरफ है कि लेफ्ट बैक की तरफ हमको फिर से खड़े हो जाना है। देन लेफ्ट बैक लेफ्ट विंग, अगेन ऐसे ही कंटिन्यू हमको इसी तरह से बेसिक कीपिंग को सीखना है। ये एक बहुत अच्छी स्किल है और छोटे बच्चे जो अभी कीपिंग सीखना चाह रहे हो या सीख रहे हो इस स्किल को करके देखें, आपको बॉल पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी और इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको। और पोजीशन वाइज से यदि आप कीपिंग करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आपकी बॉल सेव होगी और गोल करने वाले को रोक पाएंगे, आपकी बॉल सेव हो पाएगी। आगे कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग के पास है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मैं अगला वीडियो और गोल कीपिंग के बारे में डालूँगा। ओके, जय हिंद।